फेस्टिवल सीज़न आ रहा है इसलिए हर घर में कचौड़ी, समोसे ये सब चीज़ें तो बनती ही हैं। अगर कचौड़ी बिना मैदे की हो तो क्या ही बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू कचौड़ी, जिसे मैंने मैदे से नहीं बनाया, इसे मैंने सूजी से बनाया है और ये उतनी ही करारी और खस्ता बनी है जैसे कि मैदे की कचौड़ी होती है। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले स्टफिंग रेडी करेंगे। लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे आधा चम्मच ऑयल, एक चुटकी हींग लेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया और लेंगे पतली कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे मैश करके। इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, एक मैगी मसाला का पाउच, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये मसाला जले ना। इसे मैश करते हुए हम अच्छे से सारा मसाला और आलू को मिक्स कर देंगे। इसे और रिच बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर, कटे हुए काजू और किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालने तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, कोई और सब्जी, गाजर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। हमें गर्म स्टफिंग नहीं चाहिए। इसके बाद हम जो ऊपर सूजी की लेयर है वो रेडी करते हैं। एक कढ़ाई में लेंगे 2 कप पानी। आप घर की कोई कटोरी या कप मेज़र के लिए अलग कर लें। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। हमने लिया है 2 कप पानी इसलिए 2 चम्मच ऑयल ले रहे हैं। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब पानी में बॉईल आने लग जाएगा इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। 1 कप सूजी में 2 कप पानी डलता है, यानी कि डबल पानी डलता है। इसे धीरे धीरे कर कर डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और साथ साथ हम इसे चलाते रहेंगे। सारी सूजी एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे और चलाने में भी हमें मुश्किल होगी। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे क्योंकि पानी हमारा पहले ही बॉइलिंग था। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन और इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए इस तरीके का कि ये इकट्ठा होने लगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लेकिन इसे हम चलाते ही रहेंगे। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा करने के लिए। इस पॉइंट पे आपको लगता है कि मिक्सर ज़्यादा गाढ़ा है तो हल्का सा गर्म पानी के छींटे आप इसमें मार लें और उसको मिक्स कर दें। और लगेगी अगर ज़्यादा गीला है आटा तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख दें। इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये काफ़ी ठंडा भी हो चुका है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का गुनगुना ही रहने देना है। और जब लगे कि हाथ लगा सकते हैं तो हाथ में ऑयल लगा के इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि एक चिकना सा डो रेडी हो जाए जिससे कि हम कचौड़ी रेडी कर लें अपनी। ये देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लेंगे, उसकी छोटी सी लोई तोड़ेंगे, उसको अच्छे से बॉल की तरह रेडी करेंगे पहले। फिर एक छोटा सा फिंगर की हेल्प से इसमें कटोरी सी बनाएंगे और इसमें 1 चम्मच की जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की है वो डाल के थोड़ा सा दबा देंगे अच्छे से। और ऊपर से इसे बंद करके हम कचौड़ी की तरह गोल गोल इसको शेप दे देंगे। फिर हाथ से थोड़ा फ्लैट करके साइडों से हम प्लेन कर लेंगे। कचौड़ी हमारी फ्राई करने के लिए रेडी है। इसी तरीके से हम और भी सारी कचौड़ी रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई में घी, उसे मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। देखिए इस तरीके से चेक कर लेंगे हम पहले। और जो हमने कचौड़ी रेडी की है उसे अच्छे से प्रेस करके इसमें हम डाल देंगे। पहले फ्लेम हाई होगी जब हम इसे डालेंगे और डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक सिकती रहे। अगर हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। और ये क्रिस्पी भी तभी बनेगी जब आप इसे स्लो फ्लेम पर बनाएंगे। अलट पलट के हम इसे अच्छे से सेक लेंगे और इसे ऑयल से छान कर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी कचौड़ी का और ये क्रिस्पी भी उतनी ही ज़्यादा बनी है। क्रिस्पी करारी कचौड़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।